नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पचकोसी स्थित रसूलगढ़ प्राथमिक विद्यालय की स्थिति नाजुक। बात की जाए वहां की स्वच्छता की तो सभी शौचालयों की स्थिति देखने लायक नहीं है और पीने का पानी भी साफ नहीं मिलता। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलगढ़ में मैं खड़ा हूं। जैसा कि आज आपको बता दूं कि विद्यालयों की बात की जाए तो यहां पे तमाम बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं कि यहां पे हम लोग टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बाहर जाते हैं। और पानी की बात की जाए तो पानी पीने के लिए यहाँ से कम 50 मीटर की दूरी पे बच्चे जाते हैं। और यहाँ के जो नल है, नल काफी दिनों से खराब चल रही है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनू की बात की जाए तो मीनू यहाँ पे है। कुछ बच्चों का यह कहना है कि यहाँ पे जो भोजन दिया जाता है वो केवल खिचड़ी है। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं आखिर क्या मामला है, क्या है रीजन, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे शौचालय की बात की जाए तो तमाम शौचालय इसी तरीके से गंदे पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल से बात करने के बाद पता चला है कि शौचालय यहाँ पे 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे जाते हैं उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शौचालय जो आप देख रहे हैं, शौचालय की स्थिति बहुत ही गंदी है। और जिस तरीके से शौचालय है उस तरीके से शौचालय नहीं रहता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत और सुंदर भारत, एक तरफ बच्चियों को आप देख रहे हैं तो प्रदेश में तमाम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे अपहरण हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी दूर दूर तक छोटे छोटे बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं। अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए कुछ तस्वीर की ओर ले चलते हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि बाथरूम जो है वो काफी दिनों से बंद है। अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि आए चले बाथरूम की ओर, दिखाते हैं तस्वीर। आप देख सकते हैं कि इस समय जो शौचालय है वो शौचालय में ताला बंद है। स्कूल टाइमिंग पे भी शौचालय में ताला बंद था, अभी तो छुट्टी हो चुके हैं बच्चों के, उसके बाद भी ताला तो बंद रहना ही चाहिए। लेकिन जब बच्चों का क्लास चल रहा था उसके बाद भी यहाँ पे तमाम शौचालय है। आप देख सकते हैं बालिका, महिला, छोटी बच्चियों का शौचालय है। इसकी स्थिति बात की जाए तो बहुत ही गंदी है। और तमाम जगहों पे मतलब जो यहाँ के बाथरूम है वो काफी गंदे पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ और शौचालय की ओर चलते हैं, कैमरा पर्सन को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शौचालय है वो बालक शौचालय है। बालक शौचालय की बात की जाए तो आप देख रहे हैं इस समय भी ताला बंद है, और जब क्लास टाइम था तब पर भी ताला बंद था। इसकी भी स्थिति बहुत ही गंदी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी गंदगी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बच्चों की पानी की बात की जाए तो यहाँ पे नल है। आइए नल की ओर चलते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नल है, आइए कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी नल चलवा के देखते हैं क्या इस नल में पानी आ रहा है। भैया थोड़ा सा नल चलाइएगा। आप देख रहे हैं नल की स्थिति क्या है और नल इसी तरीके से बिगड़ा हुआ है। आइए यहाँ पे एक लोग भी मौजूद करते हैं कि क्या बताते हैं इसके बारे में। जी आपका नाम? अरविंद कुमार मौर्य। ये जो यहाँ पे स्कूल है उसका नल वगैरह खराब है, आप रहने वाले कहाँ से? हम तो इसी जगह के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इन नल के बारे में, और तमाम टॉयलेट है जो कि खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? अब इसके लिए तो यही लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है सफाई, इतने दिनों से खराब है ना। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, यहाँ पे तमाम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और तमाम बच्चियां यहाँ से काफी दूर दूर पानी पीने के लिए जा रही है 50 मीटर तक, क्या कहेंगे उनके विषय पे आप? वो तो यहाँ के टीचर लोग को ध्यान देना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या है, कमी है, उसको पूरा करवाने के लिए वहाँ पे कंप्लेन करें कि हाँ ये चीज यहाँ पे नहीं बना हुआ है, इसके लिए वो लोग इसका वो जिम्मेदार है। आप यहाँ के क्या कहते हैं बगल के ही हैं, और चपाकल की स्थिति कितने दिनों से खराब चल रही है? ये तो मैं अभी आज आया हूँ तो आज देखा हूँ, इसके पहले कितने दिन से खराब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आज आया हूँ और आप लोग को देख कर आया हूँ तो इसलिए अभी मैं देखा हूँ। सकते हैं यहाँ पे जो ये हैं वो कह रहे हैं कि नल की स्थिति जो खराब है, आप देख रहे हैं नल चल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे तमाम बच्चे भी हैं, एक आध दो बच्चे हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से, देखते हैं क्या बताते हैं। जी बाबू आपका नाम? सचिन राय। सचिन राय, किस क्लास में पढ़ते हो आप? सेवेंथ में पढ़ते हो। टॉयलेट करने के लिए कहाँ जाते हो आप? जी सर टॉयलेट में। टॉयलेट में जाते हैं, और बर्तन कौन मांजता है? अपने से हम लोग मांजते हैं, दाई लोग छोटे बच्चों का मांजते हैं। आप लोग अपने से मांजते हैं। खाने में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? सर हम लोग को रोज
मेन्यू के हिसाब से मिलता है खाना। क्या मिलता है? किचन से। वहाँ पर नल लगा है ना, तो मतलब टॉयलेट में नल नहीं है? टॉयलेट में नहीं है, वहाँ से लेते हैं। मैं आपका किस क्लास में पढ़ते हो आप? 2 में। खाना क्या क्या मिलता है आपको? और रक्षाबंधन से कम आ रहे हैं बच्चे ना? प्लास्टिक रोज यूज होता तो बाथरूम पता चलता है। आपका yes. कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी। सरकारी स्कूल में पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं? स्कूल में क्यों नहीं है? नल नहीं है स्कूल में? बिगड़ गया है। बिगड़ गया है बाबू? कितना दिन हुआ? बहुत दिन हुआ। खाना क्या मिलता है स्कूल में? खिचड़ी रोटी और कुछ रोज खिचड़ी बनता है? नहीं, रोज खिचड़ी नहीं बनता। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। अच्छा, ये बाथरूम वाथरूम करने आप लोग कहाँ जाते हो? खेत में? नहीं, बाथरूम में। बाथरूम में जाती हो? स्कूल में है। चप पानी? पानी कितना दूर आना पड़ता है पानी पीने के लिए? कितना दूर आती हो पानी पीने के लिए? कितना दूर स्कूल से कितना दूर होगा? इधर ना, दादी का भी बयान ले ला। दूर है। स्कूल में क्या मिलता है रोज? स्कूल में रोज खिचड़ी मिलता है। डेली खिचड़ी मिलता है। बर्तन हम जिसमें खाते हैं हम लोग मांजते हैं। दाई क्या करती हैं? दाई जी खाली बांटते हैं, तावा मर के चले जाते हैं। आप लोग क्या कहता है जिस जो बर्तन में खाते हो आप लोग धुलते हो? नहीं, आप ही लोग धुलते हो? कौन धुलता है बर्तन? धोते हम लोग यहाँ धोते हैं। बर्तन लेके आते हो यहाँ धोने आती हो? अच्छा, बर्तन आप लोग यहाँ धोती है ला करके? अच्छा मैडम, आप अपना परिचय बता दें। परिचय, मैं यहाँ पर 2006 से हूँ, अध्यापिका के पद पर। अभी संविलियन हुआ है विद्यालय, प्राइमरी जूनियर एक हुआ है जी। तो हम अप्रैल से संविलियन दोनों देख रही हूँ, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय की मैं प्रभारी प्रधान अध्यापिका हूँ। मैडम, बच्चों को खाना में क्या क्या दिया जाता है? बच्चों में खाना में मेनू से हमारे यहाँ भोजन वितरित होता है बच्चों। मैडम, बात की जाए शौचालय की तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? शौचालय देखिए मेरा स्वच्छ रहता है, क्योंकि 800 बच्चों की संख्या है, तो जरूरी नहीं है कि आप इस समय आए हैं तो वो स्वच्छ ही रहे, क्योंकि वह बच्चे 800 जहाँ जाएंगे तो वहाँ तो गंदगी होना ही होना है। कल इसकी सफाई होगी और प्रतिदिन हम लोग रखे हैं सफाई कर्मी सुपर, उस वो आता है साफ करता है, और स्वीपर जो है, और हमारे यहाँ के परिचारक जो हैं वो भी पूरे परिसर की देखभाल करते हैं, सफाई करते हैं। मैडम, बच्चों की महिला बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पे शौचालय जो है उसमें पानी भी नहीं है और तमाम शौचालय गंदे पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ बिल्कुल सफाई रहता है और हम लोग सफाई करवाते हैं, क्योंकि इतनी सारी बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं
वो सब उसमें जाती है। मैडम बड़ी बड़ी लड़कियों हाँ, की बात की जाए तो इस समय तमाम बच्चों के साथ लड़कियां घर सुबह से आती हैं तो रहती हैं इतने समय तक, तो उन सबों को जरूरत पड़ती है शौचालय की, तो गंदगी रहेगा तो वो फिर जाएंगी कैसे। मैडम बच्चियों की बात की जाए तो इस समय शौचालय में ना ही आपके पानी है, शौचालय बहुत ही गंदा है। बिल्कुल नहीं गंदा, गंदगा शाम हो गया, छुट्टी का समय है, 800 बच्चे गए हैं तो गंदगी होना है। 800 बच्चे गए हैं तो पानी तो है नहीं, तो फिर पानी नहीं है हमारे यहाँ, सौर ऊर्जा लगा हुआ है उधर के तरफ, लड़कियाँ बाल्टी से पानी ले आती हैं, यूज करती हैं, थोड़ा मेहनत चूंकि लड़कियां इस समय कर रही हैं। अब क्योंकि उधर जो है प्राइमरी में खाना जो मेरे मिड डे मील का बनता है वो वही सौर ऊर्जा से ही बनता है, समझ रहे। इधर का ये पोजीशन है कि यहाँ ना अभी इस समय हैंडपंप बिगड़ा है सिर्फ 15 दिन से बिगड़ा है, क्योंकि जब ये चुनाव हुआ था तो प्रधान जी के द्वारा ही सारा एकदम स्कूल हमारा चमक गया था और कोई असुविधा नहीं थी, और ये जुलाई 15 दिन से ही ये गड़बड़ हुआ है, जो कि हम लोग उससे वीडियो से भी कहे हैं, प्रधान से भी कहे हैं, और हमारे यहाँ अध्यापक लोग ले जा करके चिरई गांव ब्लॉक पर भी रिसीव करवाए। मैडम बच्चों का बर्तन कौन मांजता है? बर्तन बच्चों का दाई हमारे वहाँ है, बच्चों का कहना है कि हम लोग मांजते हैं, तमाम 3-4 बच्चे कहे हैं कि हम लोग मांजते हैं। बच्चे जो है इतने बच्चों का वो स्वयं धोते हैं अपना, और कुछ बच्चे जो छोटे हैं हमारे नहीं धो पाते हैं। क्या मैडम बच्चों का, सुनिए पहले, रसोईया में जाके देखेंगे तो करीब 100-200 थाली होगी, वो हमारे यहाँ 1-2 के जो बच्चे हैं जो नहीं धुल पाते हैं उनका मतलब दाई धोती हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो खाते हैं तुरंत। मैडम सरकारी स्कूल में दाई दी जाती है बर्तन धोने के लिए, ऐसा दीजिए ना, दाई दीजिए दाई है। क्या आप इसके लिए कंप्लेन नहीं की? आप हमारे वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, बर्तन खाना ही बनाने के लिए। बच्चे पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे पानी कह तो रहे हैं कि सौर ऊर्जा है, टंकी लगी हुई है पानी वहाँ से, लेकिन बच्चे तो काफी दूर गए थे पानी पीने के लिए। वो सब शौक में जाते हैं, रेसस रहता है, सब घूमते। लंच टाइमिंग क्या है मैडम आपका? लंच टाइमिंग क्या है? 10:30 अभी कुछ देर पहले 10 से 10:30 अभी कुछ देर पहले एक बच्चा मिला था, वो वहाँ पे पानी पी रहा था, वो बताया कि हम यहाँ पे पानी पीने आते हैं, तो चला गया होगा बच्चा, ऐसा कोई वो फाउंडेशन थोड़ी है। एक दो ज्यादा कोई भाई हाँ। बहुत सारे बच्चे गए थे। अरे तो खेल सारे खिला रहे होंगे मैडम, तमाम बच्चों के साथ इस समय बलात्कार और तमाम बच्चे गायब हो रहे हैं इस तरीके से, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ गाँव भी है, हमारे वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, हमसे चलाते हैं, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग लिए है, अपनी लड़कियों को जो है बहुत शिक्षित कर चुके हैं, हमारा गांव मोहल्ला गांव रसूलगढ़ बहुत ही अच्छा है, ऐसा कोई यहां पर बात नहीं।